बसमर रहीम वेलकम टू लारेब्स किचन अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को दीन और दुनिया में आसानियाँ नसीब करे अल्लाह ताला आपके घरों में खैर बरकत और ख़ुशियाँ लेकर आए आमीन इलाही आमीन आज की हमारी रेसिपी है मंदी जो कि हम अपने अंदाज में बना रहे हैं और यह बहुत मज़े के और डिलीशियस होती है ठीक है तो आइए हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे चलते हैं हमें चाहिए होंगे तकरीबन उसके लिए दो अदद दो कप हमने चावल लिए हैं जिन्हें हमने भिगो कर रख दिया है ये तकरीबन एक घंटा हमने चावल भिगो कर रखे हैं फिर हमने दो बड़े साइज़ के आलू चाहिए होंगे जिन्हें हमें इस तरह कट करके शैलो फ्राई करके रखा है और तकरीबन सात से आठ अदद हमें अंडे चाहिए होंगे जो हमने बॉईल करके रखे हैं हाफ़ कप हमें ऑयल चाहिए होगा इसके लिए दो अदद बड़े साइज़ के टमाटोज चाहिए होंगे एक बड़े साइज़ की अनियन चाहिए होगी और तकरीबन इतना दही चाहिए होगा इसके लिए हमें हरा धनिया पुदीना चाहिए होगा और कुछ हरी मिर्चें चाहिए होंगी एक अदद नींबू जो हमने स्लाइस करके रखा है अब हमारे खड़े मसाले आते हैं जिनमें जाएगा हमारा एक बड़े साइज साइज़ का तकरीबन तेज़पात का पत्ता एक बड़ी इलायची एक दारचीनी का टुकड़ा पाँच से अदद तकरीबन लौंगे होंगी इसके अंदर आठ दस आ, काली मिर्च होंगी और एक बड़ा चम्मच ज़ीरे का होगा और दो अदद छोटी इलायची होगी अब ये हमारे पिसे हुए मसाले हो गए जिसमें एक बड़ा चम्मच जो है आ, हमारा लाल मिर्च पाउडर होगा वही टेबल स्पून हमारा आ, कुटी हुई मिर्च का होगा एक आ, गरम मसाला हो गया तकरीबन आ, इसमें जायफल जावित्री और सारे मसाले मिक्स हैं और ए, एक टेबल स्पून हमारा एक टीस्पून हमारी हल्दी होगी और दो टेबल स्पून हमारा नमक होगा इसमें तो ये सारे मसाले हमारे तैयार हैं इसके आ, तो बस अब हम चलते हैं अपनी मंदी की तैयारी के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं एक पैन रखा हमने उसमें ऑयल शामिल करेंगे ये ऑयल डाल दिया उसके अंदर ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें जो हमने प्याज काटी है वो शामिल कर देंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है जब हमारी प्याज अच्छे से हो जाएगी तकरीबन हो चुकी है तो इसमें से आधी प्याज हम निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे बिरयानी की तह में लगाने के लिए और आधी प्याज के अंदर हम अपने जो खड़े मसाले हैं हमारे वो हम शामिल कर देंगे अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो महक है वो ख़त्म हो जाए फिर इसमें जो हमने अपने टमाटर का काट के रखे हैं वो शामिल करेंगे हम सारे मसाले जाएंगे इसमें पिसे हुए हमारे दही शामिल करेंगे दूसरी साइड हमने एक और बर्तन में पानी रखा है अपने चावल बॉयल करने के लिए जिसमें हम खड़े मसाले थोड़े से शामिल करेंगे दारचीनी चीन, दार दारचीनी हो गई लौंगे हो गई काली मिर्च हो गई और जीरा हो गया और दो टेबल स्पून उसमें नमक डाल देंगे और बॉईल होने के पास रख देंगे बॉयल होने के लिए उसे दूसरी साइड में हमारा मसाला भी भुन गया है अब उसमें हम आलू शामिल करेंगे पानी में बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे चावलों को हमने छान लिया है अच्छी तरह से एक कनी रह गया था तो फिर उसका पानी हमने निकाल दिया है अब बर्तन में हमने थोड़ा सा तले में ऑयल डालना है और जो हमारा चावल का हमने पानी निकाला था उसमें थोड़ा पानी हमने बचाया था वो पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें तेह बिछाकर फिर उसके ऊपर मसाला डालेंगे हम फिर अपने टमाटर हरी मिर्चें पुदीना प्याज और नींबू स्लाइस जो किए हुए हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें तह लगाते जाएंगे ये सब चीज़ें डालकर इस पर एक ते चावलों की ओर लगेगी फिर उस पर हमने अपने अंडे जो हैं उबाल के रखे हुए थे वो रखेंगे सारी चीज़ें दोबारा से इसके ऊपर डाली जाएंगी, गरम मसाला जो है वो दोबारा और कलर डाल के हम इसे दम पर रख देंगे दूसरी जानीब हमने अपना पैन दोबारा रखा है अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमने चिकन ब्रेस्ट का जो पीस होता है वो हमने एक साइड पर टिक्का मसाला लगा के टिक्का घर मसाला घर का है अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं ये हम इसके अंदर डाल के इसको रख देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए और अंदर तक इसका टेस्ट जाए इन्हें हल्की आंच पे बनाना है ताकि अंदर तक से पक जाए अंदर से कच्चा ना रहे आपका तिक्का यह हमारे चावल भी तैयार हैं दम हो चुके हैं चावलों पर तो चलिए इसे फिर हम सर्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मंदी बनी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको करते हैं गार्निशिंग कर दी है अब हमने इसकी और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है बहुत जायकेदार है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और दूसरा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा Thank you so much, Allah Hafiz.